थाना सुरेर क्षेत्र में आतिशबाजी बनाते समय हुए धमाके से कारीगर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह आतिशबाजी जीतने वाले प्रत्याशियों और शादी के जश्न के लिए तैयार की जा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुरेर क्षेत्र का रहने वाला रामगोपाल काफी समय से आतिशबाजी बनाने का कारोबार चला रहा है। शनिवार की शाम रामगोपाल अपनी दुकान में आतिशबाजी बना रहा था। इसी दौरान लगभग 4 बजे अचानक आतिशबाजी में आग लगने से धमाका हो गया। इस भीषण धमाके से दुकान की छत का मलबा रामगोपाल के ऊपर आ गिरा। इस धमाके में झुलसने के साथ भारी भरकम मलबे में दबकर रामगोपाल की मौत हो गई। घटना की खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शव को मलबे से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि रामगोपाल विधानसभा चुनावों में जीतने वाले प्रत्याशियों और होने वाली शादियों के जश्न के लिए आतिशबाजी बना रहा था। इसी दौरान यह हादसा घटित हो गया। इस घटना के बारे में मृतक रामगोपाल के साले ने जानकारी दी। अंदर दुकान में रामगोपाल जी काम कर रहे थे, आतिशबाजी का। इनकी 1.5 किलोमीटर 32 अलग दुकान है गांव से। तो क्या हुआ कि एकदम हादसा हुआ कि विस्फोट हो गया, तो पूरा मकान मतलब जो दुकान थी और जो बरामदा पूरा गिर गया नीचे, और विस्फोट हुआ तो पूरे मतलब सब खत्म हो गया। ये सुरेर कलाम रहते जी, आपको मैं इनका साला हूँ, अशोक कुमार नाम है मेरा। हॉस्पिटल में भर्ती कराया? भर्ती जिला हॉस्पिटल आए थे, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। घटना कितने बजे की? घटना 4:15 बजे की।